कर दिया, इनकी किडनी सेव कर ली और इन्होंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही ऑपरेशन की नाइट से नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही चलना फिरना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो 1 से 1.5 सेंटीमीटर के इंसिजन है, इन चीजों से ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। एक टेक्निक का जिस तरीके से हम दूरबीन का ऑपरेशन कहते हैं करते हैं, उसमें एक न्यू टेक्नोलॉजी न्यू मशीन आई है जिसको हम रोबोटिक्स कहते हैं और ये सर्जन को एक बेटर व्यू 3D विजन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ साथ रोबोटिक जो है उसके अंदर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो 360 डिग्री होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिड जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। एक समय था जब कैंसर ट्रीटमेंट में इतनी एडवांसमेंट नहीं आई थी और आज का जो दौर चल रहा है, आज के जो समय की बात करें तो अब इन ट्रीटमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल जो यूरोलॉजिस्ट है। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। सर, जैसे कि आज आपने एक बताया है कि अब जो है यूरोलॉजिकल कैंसर्स में जो है रोबोटिक सर्जरी आ चुकी है, एडवांस बहुत हो चुका है अब टाइम। ये रोबोटिक सर्जरी है क्या, किस तरह से होती है ये? तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी एक टाइप से एक इंस्ट्रूमेंट है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे हम अब यूरोलॉजिकल कैंसर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी इज़ अ वर्जन ऑफ एडवांस्ड लेप्रोस्कोपी। जो दूरबीन के ऑपरेशन पहले हाथों से दूरबीन को पकड़ के किए जाते थे, अब वो रोबोटिक मशीन की मदद से किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रोबोट ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन कम्प्लीटली सर्जन या डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है। हालाँकि रोबोटिक सर्जरी का जो एडवांटेज है वो नॉर्मल लेप्रोस्कोपी से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इसमें हमें मैग्नीफिकेशन बहुत अच्छा मिलता है और इसके ऑपरेशन के दौरान हमारी जो हैंड मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी पॉसिबल हो पाती हैं। इन्हीं वजहों से जो कैंसर के जो ऑपरेशन हम रोबोटिक सर्जरी से करते हैं, उनको ऑपरेट करते टाइम, कैंसर्स को रिमूव करते टाइम हमारा प्रेसिशन जो है, हमारा पिन पॉइंट मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सटीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है। और ये सारी ही चीज़ें ओवरऑल पेशेंट की रिकवरी में, पेशेंट के बेनिफिट में काम करती हैं। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से किए गए ऑपरेशंस में हमारा जो ब्लड लॉस है वो नॉर्मली जो 800-900 ml तक रहता था वो 50 से 100 ml तक आ गया है, काफ़ी कम हो गया है। और ऑपरेशंस के बाद जनरली दूसरे या तीसरे दिन पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सर, अगर रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो रोबोटिक सर्जरी जैसे आपने बताया कि बहुत ही कम समय में और कम ब्लड लॉस से जो है पेशेंट जो है जल्दी रिकवर करता है। यूजुअली देखा गया है कैंसर के लिए अलग, हर कैंसर के लिए एक अलग ट्रीटमेंट होती है, लेकिन यूरोलॉजिकल जो कैंसर है उसके लिए रोबोटिक सर्जरी कितनी कारगर है? और जैसे कि आपने पेशेंट्स के बारे में बताया कि पेशेंट्स जल्दी रिकवर कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर डर भी रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं ट्यूमर जो है वो कहते हैं फिर से एक बार पनप जाता है। देखिए, कैंसर का ऑपरेशन के बाद ट्यूमर के वापस आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, ये चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हालांकि हमने ये चीज़ देखी है कि जो भी पेशेंट्स का हम ऑपरेशन करते हैं उसके बाद हम उनको एक रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं, उनका रूटीन स्कैन या टेस्ट जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे कराया जाता है, कई बार 3 साल कई बार 5 साल के इंटरवल तक करवाया जाता है ताकि हम इस बात का ध्यान रख पाएँ कि वो ट्यूमर बॉडी में वापस तो नहीं आ रहा। रोबोटिक सर्जरी का नॉर्मल सर्जरी के मुकाबले ओवरऑल जो बेनिफिट है वो रिकवरी में, ब्लड लॉस में और प्रिसिशन में है। हालांकि जो कैंसर का जो हमारा फॉलोअप है वो हमें नॉर्मल कैंसर डिसीज़ के लिए जैसे हम करते हैं वैसे ही हमें करना पड़ता है। सर, यूरोलॉजिकल जो कैंसर है ये ज़्यादातर होता किन कारणों से? यूरोलॉजिकल कैंसर जैसे किडनी कैंसर का मोस्ट कॉमन रीज़न स्मोकिंग है। किडनी कैंसर स्मोकिंग के अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा ओबीस हैं या फिर जिनको हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उनके अंदर भी ये समस्या देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोस्टेट कैंसर की या पेशाब की थैली के कैंसर की, ब्लैडर कैंसर की, तो उसका भी डायरेक्ट रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं स्मोकिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा हाई केमिकल एक्सपोजर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करना या फिर बढ़ता हुआ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो भी एक तरीके से इन कैंसर्स को प्रमोट करता है, इन कैंसर्स के बनने का कारण बनता है। यूरोलॉजिकल कैंसर्स में रोबोटिक सर्जरी जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जो लगभग सभी यूरोलॉजिकल मेजर कैंसर्स में, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोस्टेट कैंसर्स में हेल्पफुल है। और इन ऑपरेशंस के अंदर कैंसर्स को कम्प्लीटली रिमूव करने में रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी हेल्प करती है। सर, अर्ली सिम्टम्स क्या हैं कैंसर के? तो यूरोलॉजिकल कैंसर्स का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है यूरिन में ब्लड आना, पेशाब में खून आना। इसके अलावा भी अगर पेट में कोई गांठ महसूस होना या पेट में दुखन रहना जो है वो किडनी कैंसर्स के सिम्टम्स में आता है। प्रोस्टेट कैंसर्स के सिम्टम या यूरिनरी ब्लैडर के सिम्टम्स, कैंसर के सिम्टम्स में ब्लड आने के अलावा यूरिन बार बार आना, पेशाब में जलन लगना, रात में बार बार उठना या फिर यूरिन
कम्प्लीटली क्लियर नहीं हो पाना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो प्रोस्टेट कैंसर में अक्सर देखने को मिले हैं। तो जैसे आपने बात की कि ज़्यादा स्मोक करना या ज़्यादा जो अल्कोहल कंजप्शन करना, उससे ये ज़्यादातर यूरोलॉजिकल कैंसर जो है पनपने के चांसेस होते हैं, लेकिन देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हार्डली 1 साल से 2 साल या 3 साल की एज के होते हैं, उनके अंदर भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, यूरोलॉजिकल कैंसर्स जनरली यंग एज में बहुत कम लोगों को होता है। इस कम एज में, जो यंग एज में हमारी पॉपुलेशंस हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको ये जो कैंसर्स होते हैं वो जनरली ब्लड कैंसर्स या बाकी दूसरे टाइप के कैंसर्स होते हैं। उन कैंसर्स का रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं कंजेनाइटल होता है। कैंसर्स का सिर्फ एक सिंगल रीज़न अभी तक हम पिन पॉइंट नहीं कर पाए हैं। कंजेनाइटल रीजंस या जीन्स के अंदर ही कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ होती है जो कैंसर्स को प्रमोट करती हैं, कैंसर बनवाती हैं। हालांकि यूरोलॉजिकल कैंसर्स यंग एज में होने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू ब्लड कैंसर या बाकी दूसरे कैंसर्स के मुकाबले कम है। सर, यूरोलॉजिकल कैंसर की अगर हम बात करें तो आजकल देखा जा रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत डिफरेंट हो चुका है, ज़्यादातर यंग फूड खाना, स्ट्रेसफुल लाइफ, क्या ये भी एक रीज़न है इसको बढ़ावा देने में? बिल्कुल, स्ट्रेसफुल लाइफ, पॉल्यूशन और नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ इज़ डेफिनेटली अ रीज़न। आप अपना हेल्थ का ओवरऑल ध्यान रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं, अगर वो खाने में पेस्टिसाइड्स डले हुए हैं, प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, केमिकल्स डले हुए हैं, प्रिजर्व्ड खाना है, तो वो कहीं ना कहीं कैंसर्स को कुछ ना कुछ उसमें इम्पैक्ट करता है, कुछ ना कुछ उसको प्रमोट करता है। तो गोइंग टू द नेचुरल फूड, गोइंग टू द नेचुरल लाइफस्टाइल इज़ डेफिनेटली मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें बताया कि अब जो है यूरोलॉजिकल कैंसर में किस तरह से रोबोटिक ट्रीटमेंट आ चुकी है और कितनी एडवांस ट्रीटमेंट है, जिससे पेशेंट का ब्लड लॉस तो कम होता ही है, साथ ही साथ कम समय में पेशेंट को जल्दी रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।